नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लैश फेरी फ्लाई। मैं हूँ स्नेहल। मैं आज आपको पेपर का रोज बनाने का दिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे चाहिए ग्लू, स्केल, पेंसिल, सीजर और इस तरह से कलर पेपर आपको बुक स्टॉल में आसानी से मिल जाएगा। इसे ग्रीन भी चाहिए। पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इसे अपनी तरफ मुड़ाना है। फिर स्केल से इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अभी इस तरह से लाइन खींच दी हूँ मैंने। अभी इसे ये ओपन साइड इधर ऊपर साइड रखना है और ये फोल्डिंग साइड हमारे पास रखना है। इसे इस तरह से पकड़ के सीजर से इस तरह से छोटे छोटे कट देना है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी क्राफ्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बारीक सा ही कट कर लेना है। जितना लाइन खींचे ना उतना ही हम इसे कट देना है। इस तरह से पूरा कट कर लेना है। मैं इस तरह से पूरा कट कर दी हूँ, देख सकते हो। इस तरह से कट कर ली हूँ मैंने। अभी ये किस तरह से फ्लावर बनाने का दिखाती हूँ। अभी हम इस ग्रीन पेपर से बेस बनाएंगे रोज का। इस तरह से पकड़ के राउंड करना है इसे। धीरे धीरे से देख सकते हो, धीरे धीरे से इसे रोल करते ही रहना है। टाइट में करना है। इस तरह से अभी मैं पूरी तरह से रोल कर दी हूँ। इसे ग्लू लगाना है। 10 मिनट्स तक इसे ड्राई होने देना है। अभी मैंने इस तरह से दो स्टिक रेडी कर दी हूँ पेपर का। चलिए अभी मैंने इस तरह से दो कट कर लिए हूँ एक फ्लावर बनाने के लिए। और आपको जो पसंद कलर अवेलेबल है और आपको जो पसंद है वही कलर चूज कर सकते हो दो कॉम्बिनेशन शेडिंग के लिए। अभी मैंने इस तरह से हमें फोल्ड कर दिए थे ना, अभी इसको दो उंगलियाँ इतना गैप देना है। अभी इसे यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। हल्के से ग्लू डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसे थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो आप। फिर यहाँ से इस तरह से इसे स्टिक करना है। इसी तरह से
ऑरेंज भी बना लूंगी मैं। थोड़ा पहले से ओपन करके इस तरह से फिर से हमें पहले दिखाई थी ना, दो उंगली गैप रख के देखिए। अभी यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, इसको यहाँ पे रख के रोल करना है थोड़ा टाइट में ही। कितना सुंदर सा पेटल्स आने स्टार्ट हो गए हैं आप देख सकते हो। देखिए वो नीचे तरफ मुड़ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे ऊपर इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। अभी हम इसे ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे ग्लू लगा दी हूँ मैंने। फिर इसके ऊपर ही ऑरेंज को यूज करना है। आप शेडेड करोगे तो ही आपका फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा और बहुत खूबसूरत। आप इसे आप स्टडी टेबल पे ही रख सकते हो, आप स्कूल में क्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं डाइनिंग टेबल पे भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। इसी तरह से राउंड घुमाते हुए जैसे जैसे आप इसे रोल करते हो वैसे वैसे इसके पेटल्स ओपन होने स्टार्ट होते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन तो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी इस पे ग्लू लगा दूंगी। इस तरह से पेटल्स आपको ठीक से ओपन कर लेना है। चलिए फिर और एक बनाने का दिखा रही हूँ। इसमें और एक मेथड है, इसे भी दो पेपर कट कर ली हूँ मैंने। आपके जो भी पसंद का कलर कट कर लेना है, बट शेडेड एक डार्क एक लाइट। अभी इसे इस तरह से ओपन करना है, इस तरह से ओपन करके इसे नीचे मुड़ाना है और इसे इस तरह से प्रेस करके प्रेस कर दी हूँ मैंने। अभी इसको दो उंगलियाँ छोड़ के ही अभी इस तरह से यहाँ से ग्लू लगाना है इसे। देख सकते हो ऐसा हो गया। अभी अभी फिर से इसे भी बनाएंगे
पिंक कलर को, मैं एक पर्पल एक पिंक लिए हूँ, इसे भी। दो उंगलियां छोड़ के इस तरह से ग्लू लगा देना है। आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो। देखिए इस तरह से प्रेस कर दो। पहला जो मेथड यूज किए है ना हमें, उसी तरह से इसे भी रोल करना है। इस तरह से लगा के इसे भी राउंड रोल कर देना है। आपको किस हैंड में इजी लगेगा, आप इस बीच में भी ग्लू लगा सकते हो, पर इतने से ही आसानी से चिपक जाएगा। आपको देखने को आसानी में हो जाए, इसीलिए मैं एक बार नीचे एक बार ऊपर से पकड़ के रोल कर रही हूँ। पेपर थोड़ा टाइट ही रहता है ना, थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेस करके रोल करना है। देखिए इसकी कली कितनी खूबसूरत हो गई है। अभी इसे यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी। अभी मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ, फिर यहाँ पे ग्लू लगाना है। इसी मेथड से आपको यूज़ करना है। लेना है थोड़ा, क्योंकि प्रेस करते वक्त इसे टाइट में बैठ जाएगा वो। ओके कितने सुंदर फ्लावर्स रेडी हो गए पेपर के। ये फ्लावर्स आपको पसंद आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।